गोरे और गोल बच्चे किसको नहीं पसंद है। सब लोग चाहते हैं कि टीवी में एड में जैसे बच्चे आते हैं ना, इतने क्यूट क्यूट से, गोल मटोल से, हमारे भी बच्चे वैसे ही हों। लेकिन ये तो ब्रह्मा की सृष्टि है, सब कुछ तो एक समान नहीं हो सकता है, जैसा हम चाहते हैं वैसे भी नहीं हो सकता है। लेकिन कुछ हद तक बच्चों की कॉम्प्लेक्शन को जो है इम्प्रूव किया जा सकता है। तो वो तरीका मेरी नानी ने मुझे बताया है जो। तो आइए शुरू करते हैं फिर आज का एपिसोड। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल मॉम स्टोरी। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने जा रही हूँ मेरी नानी का दिया हुआ नुस्खा, जिससे कि बच्चे की कॉम्प्लेक्शन इम्प्रूव की जा सकती है और बच्चे की हेल्थ भी इम्प्रूव की जा सकती है। नानी ने अपने एक्सपीरियंस से मुझे ये चीज बताया, क्योंकि उनकी सबसे छोटी पोती जो थी वो थोड़ी सी सांवली पैदा हुई थी, और उस टाइम पे मेरे मामा जी की जो पोस्टिंग है वो अम्बाला थी। तो अम्बाला में उनकी जो नेबर थी वो आंटी, वो ब्रह्म कुमारी समाज की प्रेसिडेंट थे वो। उन्होंने जब बच्चे को देखा तो उन्होंने बोला कि आप बच्चे को बादाम से जो है गोरा कर सकते हैं और बच्चे का हेल्थ भी अच्छा हो सकता है। तो उन्होंने ये तरीका मेरी नानी को बताया, जो कि मेरी नानी ने बाकायदा अपनी पोती पे अप्लाई किया और बहुत ही अच्छे और विजिबल रिजल्ट्स पाए, जिसकी वजह से आज जो मेरी कजिन है रियली बहुत ही ज्यादा फेयर है, बहुत ही ब्यूटीफुल है अभी। तो ये तरीका बहुत सिंपल है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसमें रात के टाइम पे कम से कम 7 से 8 बादाम आपको भिगो के रखने हैं। अगली सुबह को यही बादाम जो है अच्छे से पीस के, जैसे कि जो पत्थर होता है जिसपे गुट्टी पीसी जाती है, वैसे पत्थर पे जो है आपको पीसना होगा इसको, और एकदम पेस्ट जैसा निकलेगा। और इस पेस्ट को बच्चे की पूरी बॉडी पे बढ़िया से मसाज करना है आपको, फेस पे, नेक पे, पीठ पे, हाथ पे, मतलब एवरीवेयर, हर जगह आपको मसाज करना है थोड़ी देर के लिए। मतलब जो सुबह की जो धूप होती है, जो बच्चों को यूजुअली धूप दिखाई जाती है, उस धूप में मतलब 5 से 10 मिनट के लिए बच्चे को रखना होगा। उसके बाद नॉर्मल जैसे भी आप नहलाते हैं वैसे आप बच्चे को नहला दीजिए। तो यही प्रोसेस कम से कम 5 से 6 महीने तक आपको करना होगा, ताकि आपको ये विजिबल रिजल्ट्स मिले। ये हो गया ऊपरी परत पे आपको क्या करना है, मतलब आपके बाहर के स्किन के लिए क्या करना है, ये मैंने आपको बताया। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी हो, अंदर से भी बच्चा एकदम हृष्ट पुष्ट रहे और गोल मटोल भी हो जाए, तो जो बादाम आपने भिगो के रखे थे उसमें से 1-2 बादाम जो है छिलके निकाल के उसको हल्के से आंच पे घी में भून लीजिए, और भूनने के बाद फिर से उसका पेस्ट बना के, जैसे कि गुट्टी पीसी जाती है वैसे ही पत्थर पे जो है 2 बादाम के आप पेस्ट बना के उसको बच्चे को खिलाइए। और ये भी आपको कम से कम साल भर तक करना है, जब तक कि बच्चा बड़ा नहीं हो जाता, मतलब 1-1.5 साल का नहीं हो जाता है तब तक आपको यही प्रोसेस करते रहना है, तो जिससे कि बच्चे का हेल्थ भी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो ये थी बहुत ही सिंपल सी टिप जो मैंने अभी आपको बताई है, जिससे कि बच्चे का कॉम्प्लेक्शन भी इम्प्रूव होगा और एट द सेम टाइम बच्चे की हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। और ये जो भी मैंने आपको नुस्खा बताया है ये पूरा ट्राइड एंड टेस्टेड है मेरी नानी के थ्रू अपनी पोती पे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर आपके पास कोई और टिप्स हैं, मतलब बच्चे के कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए या हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए, तो प्लीज हमारे साथ जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। आज के लिए बस इतना ही, बट स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल मॉम स्टोरी।